नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। पप्पू यादव की रिहाई पर बोले राजू दानवीर, करोड़ों लोगों की दुआएं हुई कबूल, सच्चाई की हुई जीत। स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले क्रांति नायक पप्पू यादव को बीते सोमवार को मधेपुरा कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जन अधिकार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। ऐसे में जाप युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने पप्पू यादव की रिहाई को जनता की जीत बताते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं। हम लोग देश के संविधान और न्याय प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं, जिसके सामने साजिशों का परास्त होना तय था, आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। राजू दानवीर ने कहा कि क्रांति नायक पप्पू यादव ने कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों के जीवन को बचाया। अस्पताल माफिया, एम्बुलेंस चोर, सांसद और भाजपा के दबाव में बिहार सरकार ने उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब सत्ताधारी और विपक्ष के नेता अपने अपने घरों में दुबके थे, उस वक्त अपने मेजर ऑपरेशन के बाद भी एकमात्र पप्पू यादव संपूर्ण बिहार में अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा रहे थे। तब हुए लाचार और बेबस लोगों के बीच दवाई, ऑक्सीजन, भोजन, अस्पतालों में बेड, एम्बुलेंस आदि मुहैया करवा रहे थे। यह देश की करोड़ों जनता देख रही थी। इसके लिए अभी हाल ही में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उन्हें सम्मानित भी किया। देश के करोड़ों लोगों की दुआएं कबूल हुई और आखिरकार सत्य की जीत हुई। औरंगाबाद में डायरिया से 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार, ग्रामीणों ने कहा अब तक नहीं पहुंची मेडिकल टीम। CHC प्रभारी बोले सूचना मिलने पर भेजी गई टीम। इस वक्त की बड़ी खबर औरंगाबाद के नत्थु बिघा गांव से आ रही है, जहां डायरिया ने कोहराम मचा रखा है। गांव के 2 दर्जन से भी अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित है। एक साथ इतने लोग बीमार है, बावजूद इसके गाँव में अब तक मेडिकल टीम नहीं पहुँच पाई है, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में एक साथ कई लोग डायरिया से पीड़ित है लेकिन इनकी सुध अब तक किसी ने नहीं ली है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में रहने वाले ग्रामीण चिकित्सकों से लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, घर में लोगों को पानी चढ़ाई जा रही है। बीमार लोगों में कई लोगों की तबीयत ज्यादा खराब है लेकिन इनका इलाज कराने की पहल अब तक ना तो स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी ने की है और ना ही किसी कर्मचारी ने ही की है। यहाँ के ग्रामीणों का यही कहना है। कोरोना से मौत हुई तो पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा, नीतीश बोले मदद नहीं मिली तो कंप्लेन करिए। कोरोना महामारी से हुई मौतों के मामले में अब राज्य के अंदर पीड़ित परिवारों को पहले से ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। दरअसल राज्य सरकार कोरोना वायरस के मामले में परिजनों को पहले ही 4 लाख की आर्थिक मदद दे रही है। अब केंद्र सरकार भी 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ऐसे में अगर किसी परिवार में कोरोना वायरस से किसी सदस्य की मौत हुई है तो पीड़ित परिवार को 4.5 लाख राशि की मदद मिलेगी। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम के बाद स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद पीड़ित परिवारों को हर हाल में मिलेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने सबसे पहले कोरोना वायरस के मामले में प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया था। जब देश में किसी राज्य के अंदर इस तरह की आर्थिक मदद नहीं दी जा रही थी तो बिहार सरकार 4 लाख की आर्थिक मदद देने की शुरुआत कर चुकी थी। बाद में केंद्र सरकार ने 50,000 आर्थिक मदद का ऐलान किया। अब दोनों राशियों को पीड़ित परिवारों के बीच मुहैया कराया जाएगा। शिक्षक बहाली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका खत्म करने की तैयारी, अब रिक्रूटमेंट बोर्ड करेगा नियुक्ति। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया के दौरान आ रही गड़बड़ी को देखते हुए राज्य सरकार अब बड़ा फैसला करने जा रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका अब शिक्षक बहाली की चयन प्रक्रिया में खत्म करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग शिक्षकों की बहाली के लिए एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने जा रहा है। अगले साल हाई स्कूलों में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहेगी। स्कूली शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनेगा। मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष जैसे जनप्रतिनिधियों की शिक्षक बहाली में भूमिका नहीं रहेगी। ये चयन समिति और प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। शिक्षा विभाग इसके लिए नियमावली में बदलाव कर रहा है। अगले चरण की शिक्षक बहाली अब शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से होगी।
18 महीने बाद खुल गया इंडो नेपाल बॉर्डर। बैरियर हटते ही खुशी से खिल उठे लोगों के चेहरे। 18 महीने से बंद भारत नेपाल बॉर्डर पर्यटक वाहनों के लिए खोल दी गई है। अब भारतीय नागरिक अपनी कार, बाइक, टूरिस्ट वैन के साथ नेपाल जा सकते हैं। पहले कोरोना संक्रमण के कारण साइकिल और रिक्शा भी ले जाने की अनुमति तक नहीं थी। रविवार को जैसे ही भारतीय कार ने नेपाल में प्रवेश किया, नेपाली नागरिकों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। बिहार से सटे नेपाल बॉर्डर पर भारतीय गाड़ियों की नेपाल में एंट्री की अनुमति मिल गई है। इसे लेकर दोनों देशों के लोगों में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि कोरोना को लेकर 23 मार्च 2020 से इंडो नेपाल की जेगबानी बॉर्डर बंद था। नेपाल कैबिनेट की बैठक के लिए गए फैसले के बाद सीमा को खोल दिया गया है। विराटनगर के भंसार ऑफिसर के अधिकारियों ने बताया है कि अब भारतीय नंबर वाले सरकारी और निजी वाहन नेपाल ले जाया जा सकता है। इसके लिए लोगों को सुरक्षा के मानकों को ख्याल रखना होगा। जेडीयू की बैठक में जबरदस्त बवाल, नीतीश मुर्दाबाद के लगे नारे, कार्यकर्ताओं में मारपीट और गाली गलौज। बीते सोमवार को जेडीयू के बैठक में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। जेडीयू के बैठक में जदयू के ही कार्यकर्ताओं ने नीतीश मुर्दाबाद का नारा लगाया है। इस दौरान दो गुटों में जबरदस्त मारपीट और गाली गलौज भी हुआ है। बैठक को रद्द कर दिया गया है। दरअसल मामला बिहार के औरंगाबाद जिले का है। यहां जिला जदयू का अंतरकलह एक बार फिर से सतह पर देखने को मिला है। सर्किट हाउस में जेडीयू नेताओं की बैठक हो रही थी। भंग हो चुकी जिला कार्यकारिणी को पुनर्गठित करने के लिए पार्टी के चुनिंदा कार्यकर्ताओं से एक फॉर्मेट पर उनका मंतव्य लिया जा रहा था। तभी बीच बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष तथा वर्तमान जिलाध्यक्ष के समर्थकों के बीच जमकर गाली गलौज और हाथापाई हो गई। तेज प्रताप का पक्ष लेते हुए बोले मंगल पांडे, बड़े बेटे का अधिकार को छीना जा रहा है, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। किशनगंज दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में रविवार को चिकित्सा प्रकोष्ठ के साथ तेजस्वी के संवाद कार्यक्रम पर मंगल पांडे ने चुटकी लेते हुए कहा है कि तेजस्वी सिर्फ संवाद ही कर सकते हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब बिहार की जनता को उनकी जरूरत होती है तब वे बिहार में दिखाई नहीं देते हैं। वहीं तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप का पक्ष लेते हुए कहा है कि तेज प्रताप जी के साथ कहीं ना कहीं परिवार के अंदर अन्याय होता दिख रहा है। बड़े बेटे के अधिकार को कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि तेज प्रताप को जरूर तकलीफ होगी। पटना में आयोजित छात्र संगठन के वर्कशॉप कार्यक्रम में तेज प्रताप ने जो बातें मंच से कही है उस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेज प्रताप का पक्ष लेते हुए कहा है कि तेज प्रताप को उनका अधिकार मिलना चाहिए। लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाकर रखे जाने के तेज प्रताप के बयान पर मंगल पांडे ने कहा कि हर परिवार में बड़े बेटे का एक अधिकार होता है। इस मामले में तेज प्रताप को दरकिनार किया जा रहा है, जो गलत है। चाहे सामाजिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, सभी में बड़े बेटे का उत्तराधिकार बनाया जाता है, लेकिन परिवार लोगों ने जिस तरह से उन्हें दरकिनार किया है वो उचित नहीं है। तेज प्रताप का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। फिलहाल नहीं सुधरेगा मौसम, 7 अक्टूबर तक बिहार के ज्यादातर इलाकों में बारिश। बिहार में मौसम का मिजाज फिलहाल सुधरने वाला नहीं है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने पहले 3 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया था, बाद में इसे 4 अक्टूबर तक बढ़ाया गया और अब 7 अक्टूबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो नई जानकारी साझा की है उसके मुताबिक 7 अक्टूबर तक बिहार के अधिकांश हिस्से में बारिश के आसार है। बिहार में पश्चिम से निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र मध्य की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके साथ ही ट्रफ रेखा उत्तर बिहार से दक्षिण होते हुए झारखंड उड़ीसा तक जा रही है। इसके प्रभाव से बिहार के अधिकांश हिस्से में हल्की से लेकर भारी बारिश तक के आसार है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी, कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका भी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है, जो झारखंड होते हुए बिहार उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। 3 दिनों के दौरान बिहार में निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की तरफ तो रविवार को बिहार के मध्य हिस्से से शिफ्ट हो रहा है। ऊंचाई अधिक होने से इसकी तीव्रता बिहार के विभिन्न हिस्से में अलग अलग हो रही है। इसकी वजह से कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो रही है।
खुशखबरी, स्कूल में अब बच्चों को नाश्ता भी मिलेगा। मिड डे मील से पहले ब्रेकफास्ट देगी बिहार सरकार। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों को भोजन से पहले ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। लगभग 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को इसे फायदा होगा। बिहार का शिक्षा विभाग यूनिसेफ की मदद से सभी बच्चों की सेहत का सर्वेक्षण भी कराएगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर अमल करते हुए बिहार सरकार बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सेहत का भी ख्याल रखने जा रही है। बच्चों को स्कूल में मिड डे मील से पहले नाश्ता देने को लेकर नीतीश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी स्कूली बच्चों को हेल्थ कार्ड तैयार होगा, साथ ही उन्हें मध्याह्न भोजन के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। ये नाश्ता प्री नर्सरी या प्राइमरी के बच्चों को मध्याह्न भोजन से पहले दिया जाएगा। नाश्ता स्कूल के किचन में नहीं बनेगा, नाश्ता क्षत्रिय स्वयंसेवी या महिला संगठनों की मदद से तैयार कराया जाएगा। यह फैक्स फूड पोषण से भरपूर होगा। इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से सुझाव भी मांगा है। अब ऑडियो मैसेज के जरिए भी बकाया बिजली बिल की दी जा रही है जानकारी। उपभोक्ताओं और बिजली कंपनी को मिलेगा इसका फायदा। कई बार ऐसा होता है कि अपने बकाया बिजली बिल की जानकारी उपभोक्ता को नहीं चल पाती है। बिजली कंपनी द्वारा भेजे गए SMS पर ध्यान नहीं देने और बिल जमा नहीं करने के कारण बिजली काट दी जाती है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ता है। बिजली बिल जमा करने के बाद विद्युत आपूर्ति फिर से बहाल की जाती है। बिजली उपभोक्ताओं को इसी परेशानी को दूर करने की विद्युत कंपनी ने की है। कंपनी ने अब SMS के साथ साथ ऑडियो मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के साथ साथ बिजली कंपनी को सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सकेगा। जिन घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं, उन उपभोक्ताओं के बिजली बैलेंस के अभाव से गायब न हो सके, इसे लेकर बिजली कंपनी ने अनोखी पहल शुरू की है। यह उन लोगों के लिए भी है जिनके घर में अब भी पुराने मीटर लगे हैं। बकाया बिजली बिल की जानकारी SMS के माध्यम से दी जाती थी, लेकिन कुछ लोग इसे देख नहीं पाते थे, जिसे देखते हुए कंपनी ने अब ऑडियो संदेश भेजना शुरू कर दिया है। बिजली कंपनी पहली बार इस तरह का प्रयोग कर रही है। रविवार से ही इसकी शुरुआत की गई है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।